जवान के बाद अब सबकी टकटकी शाहरुख खान की डंकी पर लगी हुई है। ऐसे में फिल्म डंकी के हर एक अपडेट के बारे में लोग जानने को आतुर बैठे हैं। लिहाजा अब डंकी को लेकर एक और धांसू अपडेट सामने आई है, जिसको जानने के बाद से फैंस खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। जी हाँ, जावेद अख्तर ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में फिल्म के गाने से जुड़ी ताज़ा जानकारी शेयर की है और बता दिया है कि फिल्म की कहानी प्लॉट कैसी होगी, फिल्म कब किस पॉइंट पर खत्म होगी। दरअसल एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए जावेद अख्तर ने बताया कि उन्होंने डंकी के लिए एक सॉन्ग लिखा है और उसी पर फिल्म खत्म होगी। इंटरव्यू में जावेद अख्तर से सवाल किया गया कि आपने शाहरुख खान के लिए कुछ बेहतरीन गाने लिखे हैं, फिर चाहे वो दर्द डिस्को हो या कल हो ना हो, आप फिर से डंकी में उनके साथ काम कर रहे हैं। इस पर जावेद ने कहा, मैंने उस फिल्म के लिए सिर्फ एक ही सॉन्ग लिखा है, फिल्म उसी गाने पर खत्म होती है, वो फिल्म का आखिरी सॉन्ग है, वो गाना फिल्म की थीम को कम्प्लीट करता है। राजू हिरानी चाहते थे कि मैं फिल्म के लिए एक गाना लिखूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो गाना पसंद आएगा, वो अलग गाना है क्योंकि उसकी सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप हर सिचुएशन के हिसाब से गाना लिखते हैं, लेकिन प्रीतम ने उसे अच्छे से कंपोज किया है। पहले मैंने लिखा, उसके बाद प्रीतम ने गाने को कंपोज किया। आमतौर पर ऐसा होता है कि मुझे धुन पर लिखने को कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्रीतम का बड़प्पन था जो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप गाना पहले लिख दीजिए, मैं धुन बाद में बनाऊंगा। यानी कि जावेद अख्तर ने साफ कर दिया है, बड़ा हिंट दे दिया है कि उनका जो गाना है उसी पर फिल्म एंड होगी। लेकिन जावेद ने फिल्म में जो सॉन्ग लिखा है वो कैसा होगा, मोटिवेशनल या फिर कोई डांस नंबर या रोमांटिक सॉन्ग होगा या किंग खान पर ही किसी गाने को बनाया गया है, इन सब पर उन्होंने कोई अपडेट शेयर नहीं की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 नवंबर यानी शाहरुख के बर्थडे पर फिल्म डंकी का पहला टीजर आउट किया गया था। ऐसे में अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि डंकी के कुल 5 टीजर आने वाले हैं। इन्हीं के जरिए मेकर्स फिल्म के किरदारों और फील से जनता को इंट्रो करवाएंगे। फिल्म का पहला टीजर बड़ा खुशनुमा किस्म का था, फन एलिमेंट के लिए जगह रखी गई थी, लेकिन डंकी सिर्फ हंसी मजाक की फिल्म नहीं, ये इलीगल इमिग्रेशन जैसे सीरियस मुद्दे पर बनी है। डंकी फ्लाइट के रास्ते जाने पर हर साल कितने ही लोग मारे जाते हैं, उस पक्ष को भी फिल्म में दिखाया जाएगा। फिल्म डंकी को इसका इमोशनल कोर यहीं से मिलेगा। बताया जा रहा है कि फिल्म के आखिरी टीजर में डंकी का ये वाला साइड दिखाया जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जावेद अख्तर ने जिस गाने की बात की है वो किस किस्म का सॉन्ग होने वाला है, और जब फिल्म के सारे टीजर आउट हो जाएंगे उसके बाद इस गाने को भी रिलीज किया जाता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।